उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है। इस चरण में कुल 61 सीटों पर मतदान होगा, जिसको लेकर सत्तारूढ़ी दल और विपक्षी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राजनीतिक दल के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज योगी समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर, चित्रकूट समेत प्रयागराज के प्रवास पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। सुल्तानपुर के कटरा खानपुर में योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे कटरा खानपुर सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे पुलिस लाइन के सामने खो के घाटा चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2:45 के करीब फुटावा तारा मुख्यालय के पास करछना प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:45 के करीब वीरेंद्र बहादुर सिंह भूमि सरायम्मम रेंज प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसके बाद शाम 5:15 पर लोकनाथ चौराहा प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता की बात करें तो कांग्रेस नेता के राहुल गांधी का यूपी दौरा आज से शुरू हो रहा है। राहुल गांधी आज अमेठी प्रयागराज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोपहर 1 बजे अमेठी के थोरी विधानसभा में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 2:40 के करीब वे विशेरगंज बाजार विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा शाम 4:30 के करीब प्रयागराज के कोरावा में जनता को संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव जो आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अमेठी और प्रतापगढ़ में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगी। दोपहर 1 बजे जगदीशपुर अमेठी में राहुल गांधी के साथ संबोधन होगा। उसके बाद 2:30 बजे के करीब वो इंदिरा चौक रामपुर खास में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं शाम 4:30 बजे महिंद्रा कोल्ड स्टोर मैदान सालौन अमेठी में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं बात अमित शाह की कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, प्रयागराज, कौशाम्बनी और प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे। यहां वो सुबह 11:40 पर जयराम जनता जूनियर हाई स्कूल आलापुर अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री अरविंद घोष इंटरमीडिएट कॉलेज ग्राउंड हिरसेनपुर मैया सोरावा प्रयागराज में दोपहर 1:25 को जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा में दोपहर 2:45 पर पशु मेला मैदान शमशानाबाद सिराथू में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा में रामपुर बावली चौराहे के पास शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित किया जाएगा। अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं, अखिलेश यादव सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बहराइच और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:45 पर वो अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा होगी तो वहीं पर उसे संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे गोसाईगंज विधानसभा के लालगंज में प्रत्याशी अभय सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे अयोध्या धाम में रोड शो करेंगे। अयोध्या धाम के रामकथा पार्क में फैजाबाद शहर के गांधी पार्क तक रोड शो होगा। बता दें कि लगभग 8 किलोमीटर लंबा यह रोड शो रहेगा, जिसमें अखिलेश यादव हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट 9 नेशन की रिपोर्ट।